सुसेवा योनौ सुकृतस्य लोके अशिष्टं त्वा सह क्या दधामि। देखिए पहले क्या होता था, पहले जिस समय राजा महाराजा होते थे उस समय जो है आपको चलना है, आपको पहले आगे बढ़ाना है, पहले दायां पैर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, फिर बायां पैर उसको मिला देना। सुनो बाबू तुम, आपको भी जिस तरह वो करेंगे उसी तरह आपको भी करना है। दायां पैर जो है थोड़ा सा बढ़ाना, दोनों पैर बढ़ाना, आगे पहले वो उत्तर की वो दोनों आगे करेंगे। हो गया, ज्यादा मत झुकाइए, कष्ट हो रहा है। चलिए हो गया, कर लीजिए। आज किस प्रकार का आर्य समाज मंदिर में किस प्रकार का क्या शादी विवाह का क्या रीति रिवाज निभाया गया, इस पर क्या साझा करना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति यानी कि जो हिंदू संस्कृति है, पूरे विश्व आज इस हिंदू संस्कृति को अपनाना चाहता है। इसी कड़ी में एक मुसलमान युवती जिसका नाम चंदा बीवी है, जो अभी अपना अपने स्वेच्छा से अपना घर वापसी करते हुए अपना नाम चंदा कुमारी रखी है, आज वो अपने स्वेच्छा से, वो बालिग लड़की है, एक बालिग लड़का राजीव कुमार पासवान से आज उसने सनातन धर्म वैदिक धर्म के अनुसार आज उसने विवाह किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका हाथ खोल करके उसका हृदय से अभिनंदन करता है और समाज में यह संदेश देना चाहता है कि विश्व में शांति का प्रतीक, विश्व में सद्भाव का प्रतीक, विश्व में सर्व कल्याण का प्रतीक केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म ही है। तो आज इस बच्ची का यानी चंदा कुमारी का और राजीव कुमार पासवान का विवाह हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। और जो भी शक्तियाँ इसके पिताजी मतलब इसका भाई और इसकी माँ वगैरह जो इसके साथ मार पिटाई की, लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी, स्थानीय साहेबपुर कमाल थाना के द्वारा भी जो दलित समुदाय का लड़का है, जो दलित हिंदू है राजीव पासवान, उसके ऊपर भी जो एट्रोसिटी किया गया, मारपीट किया गया, इसकी हम निंदा करते हैं और हम कमीशन से मांग करते हैं कि इसको न्याय दिया जाए। अभी जो इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि तुम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बल पर शादी करना तुम दोनों चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर हम जानलेवा हमला करेंगे, तो पुलिस इसको प्रॉपर सिक्योरिटी दे, इसके साथ रहे। आज आपकी शादी हुई आर्य मंदिर प्रांगण में, इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? हम आज शादी हुआ है बजरंग दल से, शादी हुआ है मेरा और आर्य संपन्न मंदिर से मेरा शादी हुआ है और हम दोनों बहुत खुश हैं। इसमें हमारा बजरंग दल बहुत सहायता किए, हमारा सहयोग भी किए और हम लोग का परिवार भी बना सही बजरंग दल से। हम दोनों बहुत अच्छे से शादी निभाया है, दोनों का सही से अच्छे सपोर्ट में भी शादी करवाया गया है, दोनों का बहुत हेल्प किया बजरंग दल हमारे, हम उनका सदा के लिए आभारी होते हैं और ये हिंदू धर्म भी कबूल किए हैं। आपके साथ क्या क्या झेलना पड़ा परिवार, आप इनको पाने के लिए, आपके वाइफ को पाने के लिए आपने क्या क्या झेला? बहुत ऐसे कुछ झेले, बहुत कष्ट झेले, जैसे वहाँ पे ये दूसरे मिला तो हमको बहुत मारा, इनको भी मारा, हमें भी इधर उधर बहुत दौड़ पड़ा करना पड़ा। थाना पुलिस क्या हुआ? थाना पुलिस गए, वहाँ पर भी हमको मारा था, थाना प्रभारी वहाँ पर गए थे छोड़ने के लिए, बोले तब पर भी नहीं छोड़े, वहाँ पर भी हमको मारे थे तब। कितने सालों से आप लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? पाँच साल से हम दोनों का चल रहा। किस जगह पर आप लोग मिले थे? मार्केट में, डी लाइन मेला में ऑटो पर मिले थे हम दोनों, हम ऑटो चलाते दोनों, ऑटो में मिली थी तब, उस समय से चल रहा हम दोनों का। किन्हीं के दबाव में अभी तक नहीं ना? हम किसी के दबाव में, हम दोनों अपनी मर्जी से अपने जो से शादी किए हैं, किसी का कोई दबाव नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। घर कहाँ हुआ? छोटी बिला सत्य छोड़ा। बहुत अच्छा। कहाँ पर आपकी शादी हुई है? कहाँ पर आपकी मुलाकात कैसे हुई थी और कितने दिन पहले, कितने वर्षों पहले? 2014। तो आपके साथ फिर अभी जो है किस तरह घटना घटी थी? कौन किया था मारपीट? आज आप की शादी हुई है, आप इस शादी से खुश हैं? जी। किसी प्रकार का दबाव भी डाला गया शादी के लिए? बोलिए। किसी ने दबाव नहीं। आप शादी से खुश हैं? जी।